जय हिंद विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा नौवीं और द्वार्षिक परीक्षा पेपर विषय गणित का फाइनली 100% असली पेपर आ चुका है और इस पेपर का विद्यार्थियों फुल सोल्यूशन यहां पर मिलने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हो, आपका यहां पर पूरा गणित का पेपर है और यहाँ पर आपका देख सकते हो 75 अंक का पेपर होने वाला है, 8 पेज रहेगा, 23 क्वेश्चन, 3 घंटा समय और A to Z यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा। तो जो कि विद्यार्थियों आपको सोल्यूशन अंत में मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो जो कि आपका पूरा सोल्यूशन तैयार है हाथ से। तो यह पेपर आपको वीडियो के अंत में सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, इसके बाद सोल्यूशन। और इससे पहले आप यदि नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आप 10th में जाओगे बोर्ड एग्जाम में और 11th में जाओगे और 12th में जाओगे, तो पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहीं पर करा दी जाएगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकेगा, आप उसका लाभ ले सकेंगे, अन्यथा मैं वीडियो डालते रहूँगा आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। ये देख सकते हो, आपको पेपर से ही पता चल रहा होगा कि असली पेपर है। यहाँ पर मेरे हाथ में पेपर है जो कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो x अक्ष एवं y अक्ष, मूल बिंदु बीच होता है, तो 0,0, दोनों लाइन का 0 बीच में है, तो 0,0 होता है राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हो, आपको रैखिक बहुपद की घात होती है। तो रैखिक बहुपद का घात 1 होती है, 0 होती है, 3 होती है, 2 होती है। तो आपको यहाँ पर रैखिक बहुपद का घात हमेशा 1 होती है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। तो ये आपको बताना है, जो कि आपको 3 नंबर पर है, तो अपरिमेय संख्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ऑब्जेक्टिव है। तो परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हो, अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण। और यहाँ पर आप देख सकते हो, रैखिक समीकरण y=3x+5 का मान बताना है यहाँ पर। तो एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, केवल 2 हल होंगे या परिमेय रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे, तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, अगला प्रश्न है, भी किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है। तो कितना होता है ये आपको बताना है, 180, 90, 360, 270। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ क्या होगा, कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं, शून्य बहुपद 0 की घात होती है। तो 0 पर तो कोई घात नहीं होती है, तो अपरिभाषित ही नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हो, आपके सामने है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें आपको बहुपद x+4 का 0 खाली स्थान -1/4, 4। तो यहाँ पर आपको बताना है कि -4 ये राइट आंसर होगा, -4। इसके बाद बहुपद त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर आपको 60 अंश होता है, जब दो अन्य कोणों का योग 180 हो तो कोणों का ये खाली स्थान बनाते हैं रैखिक या युग्म समान युग्म। तो ये आपका रैखिक युग्म राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, कि कोष्टक बंद 2+√3+3-√3 खाली स्थान संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो ये आपको अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए, y+y²+4 खाली स्थान बहुपद है, तो रैखिक बहुपद या द्विघात? तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर आपको द्विघात लिख देना है। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय, यहाँ पर लिखना है, एक अद्वितीय खाली स्थान होता है, भाजक होता है या अभाज्य? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि 0 होता है। यहाँ पर देखिए, सभी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का योग एक साथ लेने पर खाली स्थान संग्रह होता है। तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या आपको बताना है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर वास्तविक संख्या होगा या प्राकृतिक आपको बता देना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए वास्तविक। इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ी देख लीजिए, जो कि आपके सामने है। तो पहला प्रश्न आपके सामने देख सकते हो, पहला का है, जो कि आपको सही जोड़ी मिला देना है। तो पहला का आपका 0.73 नीचे हो जाएगा, और 2 का आपका 34 हो जाएगा, और 3 का आपका हो जाएगा 14,
और यहाँ पर चार का हो जाएगा माइनस दो, और पाँच का हो जाएगा आपको 0.4, और छः का बचा तो छः का 0.04, तो 0.04 कहाँ पर है नहीं है तो यहाँ पर है। इसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है, जो कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 5 माइनस √2 √3 तथा 7 + 2 √3 का योग क्या होता है, तो 12 होता है। 34 अंश के पूरक कोण का मान खालिस्तान होता है तो 7 अंश होता है। 0 और 1 के बीच कोई अपरिमेय संख्या तो 0.1। यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न, बिंदु 2.3 के भुज का मान क्या होगा, तो भुज का मान 2 होगा। अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण √3 हो जाएगा। यदि यक्स प्लस 5 = 7 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो यक्स का मान यक्स प्लस यक्स माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का सत्य एवं असत्य लिखना है, जो कि आपके सामने है। इसका उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएगा, निम्नलिखित कथनों का सत्य असत्य लिखना है। तो 5x + 4 1 रैखिक बहुपद हैं, तो ये आपको सत्य है जो कि सही बात है। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हों तो समभुज कोण बराबर होंगे, तो ये आपको राइट है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये आपको √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये आपको असत्य है। अचर बहुपद की घात 1 होती है, तो ये आपका 4 नंबर है, तो ये आपका सही है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अंतः परिमेय संख्या होती है तो सत्य है। प्रत्येक पूरक संख्या 1 परिमेय संख्या होती है, सत्य है। दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए, तो यहाँ पर 4/3 लिखना है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए सरल कीजिए, तो इसको आपको लिखना है सरल करके, जो कि मैं वीडियो के अंत में उत्तर बता दूंगा। इसके बाद 7 नंबर देखिए, यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के हल एक वाक्स में लिखना है, तो 50/7 करके भाग पर इसमें लिखना है, शेष पर इसमें, और सरल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दी गई आकृति को 2/3 के भाग को छायांकित कीजिए, तो आपको 3 को कर देना है छायांकित, बाकी 3 को खाली रख देना है, यही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अथवा यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 4 केले का मूल्य बताना है, तो आपका यहाँ पर लिखना है 60 × 4 कर देना है, जो आएगा वही राइट आंसर होगा। 4×4 = 24, इस पर करके आप लिख देना है। आप इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, 11 नंबर यहाँ पर पूरा है, 12 नंबर यहाँ पर, 13 नंबर, 14 नंबर है यहाँ पर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर पूरा देख लीजिए, 17 है, 18 है, 19, 20 यहाँ पर पूरा देख लीजिए, 21 है, और 22 है, और 23 है यहाँ पर देख लीजिए, पूरा उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। 24 है यहाँ पर देख लीजिए, अपना उत्तर देख लीजिए विद्यार्थियों। पहला में आपको देखिए मैंने बताया था यहाँ पर 0.0, दूसरा में 1, तीसरा में परिमेय संख्या, चौथा में अपरिमित रूप से अनेक है, चौथा में 180 है, पंचम में परिभाषित नहीं है। इसके प्रकार यहाँ पर -4 यहाँ पर 60 अंश, रैखिक युग्म अपरिमेय संख्या द्वितीय शून्य सही जोड़ी, इस तरीके से आप लगा लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अपना लगा लीजिए इसको, इस प्रकार यहाँ पर रिक्त स्थान बनना था तो इसको भर लीजिए आप बहुत बारीकी से। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर देख लीजिए पहला प्रश्न, इसको पूरा देख लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि मैंने बता भी दिया था पहले, और ये 7/17, तो इसको देख लीजिए विद्यार्थियों। इसके बाद विद्यार्थियों मैं जल्द ही आपका अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ फुल सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन मैंने बता दिया इतना तैयार कर लो। यदि चाहिए तो अपने जिले का नाम लिखो कमेंट में कि जिले से आप हो, और PDF का पासकोड रहेगा 20 11 00, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में, टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन हो जाइए। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए।